क्या फरीदाबाद के स्वच्छता की जिम्मेवारी सिर्फ राजीव जेटली की है, प्रशासन की है, स्थानीय प्रतिनिधि की है या सिर्फ जनता की है? तो आइए दोस्तों, नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप मेरे साथ देख रहे हैं News21 TV एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम बात करते हैं 8 से 9, 10, 8 महीने पहले की, जब एक राजीव जेटली जो कि मुख्यमंत्री हरियाणा के मीडिया एडवाइजर हैं, उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि फरीदाबाद शहर को साफ सुथरा किस तरीके से मैं बनाऊं, जिससे कि स्थानीय लोग, बाहर से आए हुए पर्यटक भी एक सुगंध महसूस हो, अच्छी खुशबूदार हवा यहाँ से ले सकें। तो उन्होंने एक बीड़ा उठाया, उन्होंने निगम कमिश्नर के साथ मिलकर के एक प्लान तैयार किया कि जहाँ जहाँ कूड़े के ढेर हैं वहाँ से कूड़े को ढेर को हटा करके उनकी जगह एक ऐसे सेल्फी पॉइंट का निर्माण करना चाहिए, एक ऐसी जगह का निर्माण करना चाहिए जिससे कि लोग वहाँ खड़े होकर के अपने फ़ोटो के साथ एक सेल्फी ले सकें या एक फ़ोटो खींच करके वो अपने सोशल मीडिया वॉल पर डाल सकें। इसी संदर्भ में आपको बता देता हूँ कि प्रमुखता हमने 4 से 5 पॉइंट तय किए जहाँ हम गए और हमने रियलिटी चेक कार्यक्रम किया, हमने उन पॉइंट्स की फ़ोटो ली, वहाँ के स्थानीय नागरिकों से बात की। तो आइए मेरे साथ आप चलें। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है सैनिक कॉलोनी सेक्टर 49 फरीदाबाद का। आप मेन मार्केट में देखेंगे तो बहुत सुंदर, जो कि वेस्ट, जो कि फालतू की प्लास्टिक की बोतलें थी, प्लास्टिक के पाइप थे, उनको लेकर के बहुत सुंदर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, आप तस्वीरों में देखते रहें। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण रखता है, वो है फरीदाबाद शहर के बीचों बीच महिला कॉलेज KL मेहता दयानंद कॉलेज के सामने मेक इन इंडिया को दर्शाता हुआ, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की सोच को दर्शाता है कि किस तरीके से हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो वहाँ पर शेर की तस्वीर एक बहुत अच्छे से सर्कल से बनाई गई है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अब हम लेकर के चलते हैं आपको SGM पटेल चौक हनुमान मंदिर के पास। वहाँ पर एक बहुत सुंदर, जो पहले कूड़े का ढेर होता था, अब उसकी जगह बहुत सुंदर एक माता तुलसी का बगीचा बनाने की तैयारी है, जो कि लगभग रोड मैप पूरा उसका तैयार कर लिया गया है। बहुत जल्द आपको वो माता तुलसी का बगीचा देखने को मिलेगा और आप वहाँ से तुलसी भी ले पाएंगे। चौथा पॉइंट है, आप देखेंगे जब शमशान घाट और सेक्टर 21 की तरफ जाएंगे हनुमान मंदिर से लेकर के, तो वहाँ उल्टे हाथ में जब लोग शमशान घाट जाया करते थे तो कूड़े के ढेर से होकर के निकलना पड़ता था। एक तो दुखी व्यक्ति वैसे ही होता था कि वो शमशान घाट जा रहा है, दूसरा उसको कूड़े के ढेर से होकर के निकलना पड़ता। तो यह चीज़ राजीव जेटली से देखी नहीं गई, उन्होंने तुरंत प्रभाव से निगम कमिश्नर से मिल करके वहाँ से सारा कूड़ा हटवाने का काम किया, जो कि अपने आप में एक चैलेंज है। और आज जब वहाँ देखेंगे तो बहुत समतल तरीके से सड़क के किनारे सर्विस लेन आप कह सकते हैं, या हम कहें कि बहुत सुंदर आप वहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी देख सकते हैं। लेकिन कई जगह ऐसी भी देखी गई हैं जहाँ पर आज भी स्वच्छता करने के लिए कूड़े के ढेरों को हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन क्या ये सारी जिम्मेवारी सिर्फ राजीव जेटली की है या प्रशासन की है या अधिकारियों की है? नहीं, हम सभी की है, जनता की को भी इसमें भागीदारी करनी चाहिए। आइए सुनते हैं राजीव जेटली एवं स्थानीय नागरिकों को। जेटली जी, कई ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं फरीदाबाद में जो स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर गए, हम कहेंगे आपने स्वच्छता पर ज़्यादा जोर दे करके, जहाँ से लोग निकलना भी पसंद नहीं करते थे, आज वहाँ खड़े होकर के सेल्फी लेने का वो काम करते हैं। लेकिन आपके प्रयासों से ये सब कुछ ज़्यादा हो पाया, क्योंकि जनता खुद ये कहती है, इस पर क्या कहेंगे और कहाँ तक ये गति चलती रहेगी आपकी? देखिए, हमने कोशिश करी है कि अपने शहर को साफ़ किया जाए और बार बार एक बात का आह्वान भी किया कि स्वच्छता का अभियान है और सबका योगदान इसमें ज़रूरी है, ये कोई एक तरफा नहीं हो सकता। अगर हम सोचें कि हम इसकी सफाई करवाएंगे या इसको किसी सेल्फी पॉइंट के रूप में या किसी और तरीके से इसको परिवर्तित करेंगे, तो उसके बाद अगर हम ये सोचेंगे कि परिवर्तित होने के बाद अब योगदान केवल सरकार का रह जाए या कर्मचारियों का रह जाए सरकारी, ये नहीं हो सकता। इसमें सबका योगदान चाहिए और एक कोशिश की दयानंद कॉलेज के सामने एक सेल्फी पॉइंट बनाने की। इसी तरीके से एक कूड़े का ढेर सैनिक कॉलोनी में होता था, वहाँ से भी मुझे कॉल आया कि भाई आप इसको कूड़ा उठवा दीजिए यहाँ से, तो कूड़ा उठवाया और उसके बाद एक प्लेटफॉर्म भी बनाया वहाँ पर, और प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पुरानी वेस्ट जो बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की, उससे भी हमने एक सेल्फी पॉइंट के रूप में उसको कोशिश करी है देने की। इसी तरीके से कुछ और ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कूड़ा फेंकते थे,
उसमें भी कोशिश जारी है कि हम उसको, क्योंकि मंदिर के आसपास लगती है, तो हम उसको भी एक सोच रहे हैं कि तुलसी गार्डन के रूप में उसको कन्वर्ट करेंगे। सर एक सवाल और है कि जहां आप लोगों ने कूड़े के खत्तों को ख़त्म करवाने का काम किया, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही कह लीजिए, फिर दोबारा से वहीं लोग कई जगह कूड़ा डालना शुरू कर दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? विनोद जी, आपने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही कह लीजिए और फिर लोगों ने कूड़ा डालना शुरू कर दिया, दोनों बातों में वेरिएशन है जी। क्योंकि अगर अधिकारियों ने कूड़ा उठाया है या उनको उठवाया है जी, उसके बाद कूड़ा डालने वाले लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई मेरा शहर है, मेरा पड़ोस है, या मेरा मोहल्ला है, या मेरी कॉलोनी या मेरा सेक्टर है, मैं कूड़ा डालूंगा तो मैं गंदा किसे कर रहा हूँ, मैं अपने ही जगह को गंदा कर रहा हूँ। तो ये मुझे लगता है जागरूकता तो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए कि हमें खुद को सोचना है कि मुझे कूड़ा कहाँ देना है, मुझे कूड़ा कहाँ फेंकना है। जिस प्रकार से शासन और सत्ता दोनों इनिशिएटिव लेकर के सफाई कराई, आप लोगों ने बहुत सारे सेल्फी पॉइंट बनाए, तो दोबारा से क्यों ना हम उस स्पीड को दोबारा से लगातार करें? देखो मैं आपको नहीं, बिल्कुल देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हर जगह को तुम सेल्फी पॉइंट नहीं बना सकते। कूड़े के खत्ते का मतलब ये होता है कि जब कूड़े के कलेक्शन होता है वहाँ से उसको किसी पॉइंट पे जाकर रखा जाता है, जब लोकल लेवल पे उसकी कलेक्शन होती है तो किसी पॉइंट पे रखा जाता है और वहाँ से बड़ी गाड़ी उसको उठा करके लेके जाती है। तो सारे कूड़े के खत्तों को सेल्फी पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे तो कूड़ा कहाँ जाएगा, कहीं एक जगह पर तो जाना ही होता है। हाँ, इसके लिए भी हमने एक चर्चा करी है MCF के सीनियर अधिकारियों के साथ, और एक हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसके जो कूड़े के खत्ते हैं उसको कहीं ना कहीं कवर कर दें, बाहर कुछ इस तरीके से ब्यूटिफिकेशन करें कि ऐसा एहसास ना हो कि इसके पीछे भी कूड़ा है। ऐसी भी कोशिश हम कर रहे हैं, जारी है, और उसके लिए हमने कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी एसोसिएशन करने की कोशिश करी है। इनफैक्ट जो ये सेल्फी पॉइंट बनाए हैं इसके लिए भी हमने सोचा है कि अगर कोई मेंटेनेंस इसका लेना चाहे, क्योंकि हर व्यक्ति जो बड़े बड़े उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इसी शहर से आते हैं, तो उनको हम ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर आप एक एक पॉइंट भी लेते हैं उसका मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, साल का भी अगर लेके चलें तो, अगर आप एक एक पॉइंट भी लेते हैं तो आप सोचिए कि आप अपने शहर में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ऐसे उद्योगपतियों से बात हुई है? हाँ बिल्कुल, मेरी उद्योगपतियों के साथ बात हुई है, मेरी इनफैक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर से भी इसके ऊपर बात हुई है कि हम कुछ योगदान, उन्होंने भी बात करी है, कुछ मैंने भी कुछ लोगों से बात करी कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें समावेश किया जाए ताकि और ब्यूटिफिकेशन के शहर आने वाले समय में साफ सुथरा मिलेगा या नहीं फरीदाबाद के लोगों को? देखिए मेरा शहर है, आपका भी शहर है, और जिनको आप सुनाने जा रहे हैं ये उनका भी शहर है। तो एक अधिकारी काम करें, मैं काम करूं, कमिश्नर काम करें या आप करें, केवल इससे इसका समस्या का निवारण नहीं हो सकता। हम सब लोगों को मिलकर सोचना है, क्योंकि मैंने इस देश के बहुत छोटे छोटे शहरों में देखा है कि वहाँ लोग इतने सचेत और जागरूक हैं इन बातों को लेके कि मेरे शहर के अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए। वही जागरूकता अगर हमारे फरीदाबाद के अंदर भी सभी लोगों के अंदर आ जाए तो सोचिए कितना सुंदर हमारा शहर हो सकता है ना। और हम कोशिश करेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह भी करूँगा, भाई शहर आपका है, आपके बच्चों के लिए है, और अपने बच्चों के लिए अगर सुंदर शहर छोड़ के जाएंगे तो उनके विजिटिंग कार्ड या उनके रेजिडेंशियल एड्रेस का सम्मान बढ़ेगा। तो उनके सम्मान की खातिर कम से कम आप कूड़ा ना फेंकें। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है जी। देवेंद्र जी क्या काम करते हैं आप? मेरे पेट शॉप का काम है, पटेल चौक पर। यहाँ पटेल चौक पर कूड़ा हुआ करता था, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी ये पहले सामने कूड़े का ढेर था तो यहाँ पे लगा लो, हम दुकानदार भी बैठ नहीं पाते थे, जब इधर की हवा चलती थी तो इतनी दुर्गंध स्मेल आती थी कि यहाँ पे कोई बैठ नहीं सकता था, खास तौर पे बरसातों में। तो ये काम किसने कराया? ये राजीव जेटली जी ने करवाया है, जो उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं, जो इन्होंने यहाँ गंदगी हटाई है, जो यहाँ सब कॉलोनी वाले भी सुखी है, नहीं तो यहाँ कूड़ों के ढेर लगे रहते थे, डंपर के डंपर। अब इसकी जगह क्या बना दी गया है? यहाँ पे अभी फिलहाल बिल्कुल इन्होंने साफ सुथरा कर दिया, अभी सेल्फी पॉइंट की तैयारी चल रही है फिलहाल उसके लिए।